हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल में स्वागत है। मैं अपने चैनल के थ्रू स्पेस से रिलेटेड लेटेस्ट डिस्कवरीज और कॉम्प्लेक्स थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स को सिंपलीफाई करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस चैनल का मेन मोटिव लोगों को स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी के प्रति जागरूक करने का है, ताकि वो इस अद्भुत ब्रह्मांड को जान सके और साथ ही साथ उन साइंटिस्ट के काम को अप्रिशिएट कर सके जो इसे जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक गाइस, और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि है टोक्यो स्काई ट्री एक्सपेरिमेंट, और ये बेस है टाइम डायलेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाइम डायलेशन आइंस्टाइन के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड आइडियाज में से एक है, जो कि है कि कैसे टाइम एंड स्पेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। टाइम डायलेशन का मीनिंग है कि टाइम का स्लो हो जाना, और मोर स्पेसिफिकली कहूँ तो आइंस्टाइन ने ही हमें बताया कि दो कंडीशंस में टाइम डिफरेंटली वर्क करता है। पहला, कि अगर कोई फास्ट ट्रैवल कर रहा है और कोई स्लो, तो दोनों के लिए टाइम का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। जो फास्ट मूव कर रहा है उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। और दूसरा, कि अगर आप किसी मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार या कोई वाइट ड्वार्फ के पास होंगे, तब भी टाइम डिफरेंटली एक्सपीरियंस होगा, और जो मैसिव ऑब्जेक्ट है उसके पास टाइम स्लो हो जाएगा। और यही है स्पेस एंड टाइम का इन्फ्लुएंस एक दूसरे पर। और साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को कई बार टेस्ट भी किया है, और आइंस्टाइन हमेशा ही सही साबित हुए। तो यहाँ पे आइंस्टाइन की ये फोटो लगाना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमेशा की तरह वो इस बार भी सही साबित हुए। ये एक्सपेरिमेंट रिसेंटली कंडक्ट किया गया था जापान में, और मोर स्पेसिफिकली कहूँ तो जापान के फेमस टोक्यो स्काई ट्री में, जो कि आप इस गूगल मैप में देख ही रहे हैं। और हाँ, ये एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए नहीं की गई है, जबकि इसका मेन रीज़न है उन चीज़ों को प्रमोट करना जो कि इन साइंटिस्ट ने क्रिएट किया है। दूसरे शब्द में कहूँ तो अगर आप सोचते हो कि क्यों हम आइंस्टाइन की थ्योरीज को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। जबकि एक्चुअली में साइंटिस्ट इसे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि पहला तो ये वेल एस्टेब्लिश थ्योरी है, और दूसरा कि आइंस्टाइन का नाम यूज करके उनके एक्सपेरिमेंट को थोड़ा फेम मिल जाएगा। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ, और ये एक्सपेरिमेंट काफी सक्सेस भी हुआ, क्योंकि उन्होंने जो किया वो बहुत ही रिमार्केबल था, और इसीलिए इस पे हम और डिटेल में बात करेंगे। सिंपल शब्दों में कहूँ तो इस एक्सपेरिमेंट में जापानीज रिसर्चर्स ने एक लैटिस एटॉमिक क्लॉक बनाने की कोशिश की है। अब ये कैसे वर्क करती है और उन्होंने ऐसा कैसे किया, ये एक्चुअली में इस वीडियो के दायरे से थोड़ा आगे है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और अगर इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताऊँ तो ये एक लेजर और वेरी वेरी स्पेसिफिक एटॉमिक स्ट्रक्चर या सम काइंड ऑफ लेस नोन कंपाउंड जैसे येट्रिबियम का यूज करके टाइम को एक्सट्रीमली एक्यूरेट तरीके से मेजर और ऑब्जर्व करने की कोशिश है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये एक एटॉमिक क्लॉक है, पर इस एक्सपेरिमेंट में इस एटॉमिक क्लॉक को डिफरेंट तरीके से यूज किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने सुपर कूल्डेड स्ट्रॉन्शियम एटम्स को दो अलग अलग लैटिस एटॉमिक क्लॉक्स में प्लेस किया, जो ऑलरेडी एक दूसरे से सिंक्रोनाइज थे और ज्यादा बड़े भी नहीं थे, और ये सिर्फ 2 फीट या 6 सेंटीमीटर के ही थे। फिर उन्होंने एक एटॉमिक क्लॉक को बिल्कुल टावर के बेस में रख दिया, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं, और दूसरे एटॉमिक क्लॉक को टावर के काफी ऊपर, लगभग 450 मीटर हायर, या यूं कहे तो 1300 से 1400 फीट ऊपर। और फिर उन्होंने स्काई टावर के हाइट का डिफरेंस लिया, ताकि वो टाइम डिफरेंस देख सके जो आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था। इन अदर वर्ड्स, साइंटिस्ट ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेस ऑफ द टावर एंड 450 मीटर हाइट ऑफ द टावर पे टाइम फ्लो और टाइम डिफरेंस कितना है। और ये डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि अर्थ भी एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, और इसके हम जितने पास होंगे टाइम वहाँ पे उतना स्लो हो जाएगा, पर ये बहुत ही छोटे लेवल पे होगा, और इसीलिए इसको मेजर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज क्लॉक की ज़रूरत होगी। और ऑब्वियसली उन्होंने ये पाया कि आइंस्टाइन इस बार भी सही थे, लेकिन ये इसका इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं था। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को इतने एक्यूरेसी से किया, क्योंकि पहले के एक्सपेरिमेंट इतने एक्यूरेट नहीं थे, और वो सभी सैटेलाइट के डेटा पे रिलाई करते थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें सैटेलाइट का यूज किया गया था, जिसमें एटॉमिक क्लॉक भी था, और वो ऑर्बिट कर रहा था अर्थ की, और जो दूसरा क्लॉक रखा गया था वो अर्थ के किसी सरफेस पे। लेकिन जो टाइम का मेजरमेंट था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, और ऐसा क्यों था ये बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर टाइम डिफरेंस आ क्यों रहा है। ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि सभी मैसिव ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास के टाइम फैब्रिक को बेंड कर देते हैं, और ये हम काफ़ी टाइम से प्रूव कर चुके हैं। एग्जांपल के तौर पे, जैसे आप इस स्टिमुलेटेड ब्लैक होल में देख रहे हैं, जहाँ पे हम एक्चुअली में लाइट को बेंड होते हुए देख सकते हैं उसके इवेंट होराइजन रिंग के अराउंड। और ऐसा ऑफकोर्स इसीलिए क्योंकि ब्लैक होल बींग अ मैसिव ऑब्जेक्ट ने स्पेस फैब्रिक को बेंड कर दिया, और इस इफेक्ट के साथ एक और इफेक्ट आता है जो कि है बेंडिंग ऑफ टाइम। दूसरे शब्दों में आपको समझाऊं तो अगर आप यहाँ पे होते हैं जहाँ पे स्पेस टाइम इतना बैंड नहीं है एज कम्पेयर टू हेयर, तो इसीलिए इस एरिया में टाइम आपके लिए फास्ट हो जाएगा इस रीजन के कम्पेयर में।
सो बेसिकली अगर मैं इवेंट होराइजन के पास रहूं तो मुझे टाइम डिफरेंटली दिखेगा, लेकिन अगर मैं यहां से बाकी सभी गैलेक्सीज को देखूंगा तो सभी ऑब्जेक्ट्स मुझे बहुत फास्ट मूव करते हुए दिखेंगे और ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो गया है लगभग 3 to 4 times। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरे लिए टाइम बहुत स्लो हो गया है। और एग्जांपल के तौर पे अगर मेरा कोई ट्विन इवेंट होराइजन से थोड़ा दूर रहे और वो मुझे देख रहा हो तो मैं उसको काफ़ी स्लो मूव करते हुए दिखूंगा और यही है टाइम डायलेशन। टाइम टू इफेक्ट के कारण स्लो हो जाएगा, पहला कि अगर आप किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के पास रहोगे तब, और दूसरा कि अगर आप बहुत ही फास्ट रिलेटिव स्पीड से मूव कर रहे होगे तब। और यही है पूरा टाइम डायलेशन एक सिंपल शब्दों में। और यही टाइम डायलेशन हमने सैटेलाइट से टेस्ट करने की कोशिश भी की है, पर सैटेलाइट और अर्थ के सरफेस के बीच के टाइम डिफरेंस को मेजर करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ दो चीज़ों का इफेक्ट है, पहला कि यह अर्थ की ग्रेविटी फील्ड से दूर है तो टाइम डायलेशन यानी टाइम का स्लो होना यहाँ पे कम होगा, पर वो इतना कम होगा कि इसको डिटेक्ट करने के लिए सुपर एक्यूरेट क्लॉक की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा ये कि ये सैटेलाइट एक स्पीड से मूव भी कर रही है इस स्पेस टाइम में, जिसका बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा, मींस टाइम डायलेशन यानी टाइम का स्लो होना बढ़ेगा। इसलिए सैटेलाइट और अर्थ सरफेस के बीच के टाइम डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमें दोनों इफेक्ट को कंसिडर करना होगा। और क्योंकि ये दोनों ही इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होंगे तो इनको मेजर करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट क्लॉक चाहिए होगा। और इस तरह के टाइम डायलेशन का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है 2 famous astronauts स्काउट केली एंड मार्क केली। उनमें से एक अर्थ पे रहा और दूसरा अप्रोक्सीमेटली 540 डेज तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। और बिकॉज ऑफ टाइम डायलेशन जो एस्ट्रोनॉमर ISS में था वो रिलेटिवली 5 microseconds यंगर होगा सभी लोगों से जो अर्थ पे हैं। हालांकि ये 5 microseconds का टाइम डायलेशन 1.5 year में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बात आती है जियोग्राफिकल मैपिंग की। और यही है इस साइंटिफिक स्टडी का मेन गोल। इस स्टडी से हम ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या हम इस टाइम डायलेशन का यूज़ करके ग्रेविटी को मैप कर सकते हैं या नहीं। और ग्रेविटी से मतलब है कि किसी भी रीजन की एक्चुअल डेंसिटी एंड कंपोजिशन। एंड सिंपली सेइंग साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम हमारे प्लैनेट्स के रीजन की मैपिंग कर सकते हैं कि नहीं, ताकि उसका यूज़ करके हम एक सुपर प्रिसाइज वे में उन रीजन की मैपिंग कर सकें जिसके बारे में हमें नहीं पता कि आखिर उस सरफेस के नीचे क्या चल रहा है, और फिर उसको यूज़ कर सकें वोल्केनोज और अर्थक्वेक के प्रिडिक्शन के लिए। और इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, स्पेशली फॉर जापान, क्योंकि एक तो 2011 में उन्होंने वन ऑफ द बिगेस्ट एंड डेडली अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया, और दूसरा कि वहाँ पे अर्थक्वेक कॉमन भी है। सो हम इस एटॉमिक क्लॉक को हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन में रखकर टाइम डायलेशन का डिफरेंस निकालकर इजीली किसी एरिया को मैप कर सकते हैं और फिर उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि इसमें कोई क्रस्टल डिफॉर्मेशन है या नहीं, जो कि एक पोटेंशियल अर्थक्वेक और वोल्केनो को जन्म दे सकता है। और दूसरा कि इसको हम अर्थ सरफेस के अंदर एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि फिर बाद में उसको माइनिंग करके निकाल सकें। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस प्रोजेक्ट का यही है कि हम इंटायर प्लेनेट को एक्यूरेटली मैप कर सकें, और जापान जैसे देश के लिए ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ग्रेविटी मैप का यूज़ करके हम अर्थक्वेक को कई दिनों और हफ्तों पहले प्रिडिक्ट कर सकेंगे, और जिससे हम काफ़ी जाने भी बचा लेंगे। और इसीलिए इन कॉम्प्लेक्स एंड प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है, और इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट इतना वैल्यू रखता है, क्योंकि साइंटिस्ट एक मोबाइल टाइप ऑफ एटॉमिक क्लॉक बनाने में सक्सेस रहे जिसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने में, और अब हम इनको इंडस्ट्रीज में भी यूज़ कर पाएंगे। और अगर आपको जानना है कि इस क्लॉक को कैसे डेवलप किया गया तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और ये रिसर्च की गई है राइकेन के द्वारा, जो कि जापान की सबसे लार्जेस्ट साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा कि अमेरिकन रिसर्चर्स भी ऐसा ही कुछ ट्राई करें या फिर सेम एटॉमिक क्लॉक यूज़ करें वोल्केनोस की स्टडी के लिए, जिससे फेमस मेगा वोल्केनो है जो कि प्रेजेंट है येलो स्टोन नेशनल पार्क में, जो कि फिलहाल तो सो रहा है पर किसी भी वक्त जाग सकता है। और अगर हम एक्यूरेटली इस रीजन की ग्रेविटी मैपिंग कर लें तो अमेरिकन साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि क्या US को इस वोल्केनो से कोई खतरा तो नहीं है आने वाले कुछ सालों में। और इतना ही नहीं, इन एक्सट्रीमली एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक्स को और भी कई चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, जैसे डार्क मैटर को फाइंड करने में, क्योंकि जैसे वो हमारे प्लेनेट से पास होते हैं और अगर हम उनके डिफरेंस को देख लें डिफरेंट एटॉमिक क्लॉक्स में, तो शायद हम फाइनली डार्क मैटर को कैच कर पाए हमारे प्लेनेट से पास होते हुए। और मे बी इसीलिए ये एटॉमिक क्लॉक हमारा फ्यूचर हो सकते हैं, क्योंकि इन क्लॉक्स के मेजरमेंट्स इतने ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं कि शायद फ्यूचर में इनका साइज छोटा हो जाए और हर जगह ये बहुत कॉमन भी हो जाए। इस एटॉमिक क्लॉक का प्रिसीजन अप्रॉक्स 10^-18 seconds का है, जो कि एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, और जिसको इमेजिन करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इसीलिए ये रिसर्चर्स को अलाउ करेगी ग्रेविटी का 1-1 centimeter का डिफरेंस देखने में, और ऐसा पहली बार है जब साइंटिस्ट ने इतना एक्यूरेट प्रिसीजन अटेन किया।
और ये डेफिनेटली एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है और इसीलिए इस रिसर्च को ऑलमोस्ट 3 ईयर्स लग गए इतनी हाई एक्यूरेसी मेंटेन करने में और प्रोबेबली इसको कुछ साल और लगेंगे इस डिवाइस को और यूजफुल बनाने में और कॉमन प्लेसेस पे यूज करने में। पर क्या पता, हो सकता है कि फ्यूचर में हम इन डिवाइस को एप्पल वॉच जैसे डिवाइसेस में भी देख पाएं और अर्थक्वेक जैसे नेचुरल कैलेमिटीज को प्रिडिक्ट कर पाएं। पर ये अभी बहुत दूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। और इन दी एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आइंस्टाइन एक बार फिर से सही साबित हुए। और ये टॉपिक भी मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन में से एक है और मे बी उनकी इस टाइम डायलेशन की थ्योरी से हम इस प्लेनेट को और अच्छा बना सकें। सो ऑन दैट नोट, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे रिसर्च अच्छे लगे हों तो इसे लाइक करें और अपने कॉस्मोस लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।